छात्रों स्वागत है दीक्षांत सेलुटेक के प्लेटफॉर्म पर। आज आपके लिए कक्षा चार वर्ग चार के विषय हिंदी में पाठ स्वच्छता अभियान जो बड़ा ही रोचक पाठ है, बड़ा ही सुंदर पाठ है, जिसे पढ़कर हंसी भी आएगी, गुदगुदाहट होगी मन में और एक सबक भी मिलेगा हमें, क्योंकि यह हमारे दुनिया में कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनको उदाहरण बना करके इसे प्रस्तुत किया गया है कवि द्वारा अपनी कविता के माध्यम से, जो जहाँ जंगल है। छात्रों आप लोग तो देखते होंगे जंगल भूख, मोटू पतलू, कई ऐसे हैं जो आप लोग टीवी चैनल्स के अंतर्गत या फिर वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब वगैरह के माध्यम से। वैसे ही आज हम यहाँ पर जंगल के बारे में कुछ जानवरों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाने की मुहिम को अपने इस कविता के माध्यम से समझेंगे, जिससे हमें स्वच्छता के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। छात्रों स्वच्छता, साफ सफाई एक ऐसी चीज है जहां देव वास करते हैं। हम प्रत्येक पवित्र स्थलों को स्वच्छ रखना चाहते हैं, रखते भी हैं, क्योंकि स्वच्छता जहां रहती है वहां पर आप देखते होंगे कि बुरे चीज नहीं आते। जैसे घर में किसी दिन, छात्रों आप अपने घर को उदाहरण बना के देखिए, घर में अगर आपकी मम्मी फिनाइल से अपने घर को साफ की है या किसी ऐसे चीज से साफ की है जिससे घर नीट एंड क्लीन दिखता है, तो मक्खियां नहीं आती हैं, मच्छर नहीं आते हैं। वो मच्छर या मक्खियां हमें बीमार करने ही हमारे घर में आते हैं। मक्खियों के पंख, मक्खियों के पैरों में कई रोएं होते हैं, हजारों रोएं होते हैं, जो कि जिन सब वस्तुओं पर बैठती है वहाँ से वह गंदगी को उठा करके और हमारे भोज्य पदार्थ पर रख देती है, जिसे खाने से हमारे पेट में कई तरह के असुविधाएँ होती हैं, इन्फेक्शन होते हैं, जिसके वजह से हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए साफ सफाई विशेष ध्यान रखनी चाहिए। खास करके बच्चों में साफ सफाई का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता है, और जिन बच्चों में साफ सफाई का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता है वो जल्द जल्द बीमार पड़ते हैं। जैसे कुछ स्वच्छता के परे कार्य करने वाले छात्रों के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसी बुराई आप में है, अगर ऐसी गलती आप कर रहे हैं, तो छात्रों कृपया कर अभी से छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे छात्रों में हमने देखा है कि माला पहने रहते हैं, कोई शंकर भगवान का, कोई माँ दुर्गा का, कोई हनुमान जी का, और वह माला का धागा हो, चाहे चांदी का लॉकेट हो, चांदी का सिकड़ी हो, चैन हो, सोने का हो, कुछ भी उसे लेकर मुंह में, कई छात्र तो अपना कॉलर पकड़ के, अरे क्या मिल रहा है उसमें, ये कोई कोल्ड ड्रिंक्स है या लस्सी है, इसमें तो डस्ट है। और डस्ट में हम जानते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं, बहुत सारे धूल कण में बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, फिर भी हम खाते हैं, फिर भी अपने मुंह में लगा लेते हैं। कभी कभी तो हम खेलते खेलते नाखून काटने लगते हैं, ये क्या है, ये गंदगी ही तो है, ये स्वच्छता हो नहीं सकता। अतः इस तरह की बुरी आदतों को ना आप खुद पकड़ें और ना ही अपने मित्रों दोस्तों को पकड़ने के लिए सलाह ही दें, उन्हें भी अगर देखें तो जरूर मना करें, क्योंकि यही कर्तव्य बनता है। हाँ जी, इस जंगल में भी एक दूसरे को स्वच्छता का मतलब बताने के लिए ही सभी लोग एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं या डांट लगा रहे हैं। आप भी अपने दोस्तों को डांट लगा सकते हैं। आइए देखते हैं इस स्वच्छता अभियान के पाठ से हमें क्या क्या मिलने वाला है। पहला है
अधिगम संप्राप्ति लर्निंग मटेरियल समय क्या क्या मिल रहे हैं, तो साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जैसा कि हम लोगों ने बातें की कि हमें कई आदतें ऐसी हो जाती हैं, नाखून काटना, खेलते खेलते कॉलर को पकड़ लेना, कभी टेंशन में आ जाते हैं, कभी कुछ सोचने लगते हैं तो अपने माला को ही मुंह में लगा लेते हैं, कुछ भी लिए मुंह में लगाए, ये तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो अनजाने में करते हैं। तो समझ में आता है आप तो बड़े हो रहे हैं, आप 4 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, आप में तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, आप तो स्वच्छता का मतलब समझ रहे हैं। अतः जागरूकता को बढ़ाइए, स्वच्छता के जागरूकता को बढ़ाना है। कैसे? अपने न करें, दूसरों को भी न करने दें, दूसरों को भी मना करें ये नहीं है, ऐसा करने से गंदगी फैलेगी, बीमारी होगी। और ये तब कर सकते हैं आप दूसरों को मना, जब स्वयं ये काम नहीं करते, नहीं तो आपका दोस्त बोलेगा अपने करता है तो नहीं बोलता है, हमको बोल रहा है, तो फिर काम बिगड़ जाएगा, आपको भी ईगो हर्ट होगा, आपको लगेगा अरे हम समझा रहे हैं इतनी बड़ी अच्छी बात, सर हमको समझाए थे तो हम तुमको समझा रहे हैं और तुम मम्मी को दोष देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही ऐसा नहीं। क्रोध प्रत्येक मनुष्य का शत्रु होता है, इस बात को आप बेहतर समझ सकते हैं, समझते भी होंगे। आप अगर गुस्से में आते हैं तो अपने कलम को फेंक देते हैं, या अगर ऐसी कोई बुरी बात है तो ये सब गलत बात है, इसे छोड़ दें, क्योंकि आप जब फेंकेंगे तो कलम किसका टूटेगा, आप ही का टूटेगा। इसलिए स्वच्छता सब साफ सफाई के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। अगला है पॉइंट, इससे हम क्या समझने वाले हैं, तो स्वच्छता का महत्व, स्वच्छता का महत्व, स्वच्छता से क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, यही तो महत्व होता है। महत्व अर्थात दो प्रकार के महत्व दर्शित होते हैं, किसी भी वस्तु वास्तव से, किसी भी व्यक्ति विशेष से, किसी भी क्षेत्र विशेष से, किसी भी क्षेत्र में अगर देखते हैं तो महत्व दो प्रकार के दर्शित होते हैं, एक लाभान्वित करने वाले और दूसरा हानिकारक प्रभाव डालने वाले। तीसरा पॉइंट है, शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ अपना पास पड़ोस भी स्वच्छ रखना, अपना शारीरिक स्वच्छता, नहाने में गए और दो लोटा डाले, एक बाल्टी डाले, थोड़ा झरने के सामने खड़ा हो गए, काम खत्म, जयराम जी की, चलो हो गया, नहाना हो गया, नहाना कहाँ हुआ, ये तो धोए हैं अपने आप को, नहाना तो तब होगा ना जब साबुन से मलमल के अच्छे से आप खेलते हैं, आप मिट्टी पर खेलते हैं, कभी फील्ड में लुढ़क जाते हैं तो फिर डस्ट वगैरह गंदगी लगती है, उसको अच्छे से साफ करना पड़ता है, साबुन से स्नान कीजिए, स्वच्छ बनिए। और स्वयं की शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ अपने आस पड़ोस, पास पड़ोस के भी, जो आपके साथ खेलने कूदने वाले बच्चे हैं, जो आपसे छोटे हैं, उनको समझाइए ये ऐसा नहीं करो, इधर उधर जिधर तिधर मत बैठा करो, गंदगी जहाँ भी लगेगी वह तुम्हें अस्वस्थ करेगा, क्योंकि स्वच्छता हमें स्वस्थ रखता है और अस्वच्छता हमें अस्वस्थ करता है, बीमार करता है। बीमार भी होते होंगे तो देखिएगा, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो एक तो पहले से बीमार बेचारा दुखिया मुंह लटकाए हुए जाता है, डॉक्टर साहब सब खांसी हो गया, डॉक्टर साहब क्या करते हैं, आओ 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 आओ, एक सिरिंज भरते हैं और गांव पर देते हैं, अरे बाप रे वो भी दर्द। इस सब से बचना है तो स्वच्छता अपनाना है। कविता पढ़ना, समझना और आनंद लेना, कविता को पढ़ना है, समझना भी है और साथ में मजे भी करना है, संतोष सर के साथ आनंद लीजिए। कैसे? अभी देखिए, आनंद आता है। कविता पाठ को विधिवत पढ़ना, विधिवत माने कविता को एक विधि होती है कविता को पढ़ने की, उस विधि के अंतर्गत पढ़ के लयबद्ध तरीके से और शब्दों का अर्थ जानना है। अभी आइए शुरू करते हैं। अगरम बगरम हातिम ताई,
सब सीखेंगे साफ सफाई। क्या क्या है? अगरम बगरम हातिम ताही, सब सीखेंगे साफ सफाई। जंगल होगा स्वच्छ हमारा, सब पशुओं ने कसम है खाई। या जंगल होगा साफ हमारा और इस बात की कसम किसने खाई? तो सब पशुओं ने कसम है खाई। छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने बातें की अभी कि एक जंगल है और उस जंगल में कई प्रकार के प्राणी रहा करते हैं, बंदर, जिराफ, ऊंचे लंबे गर्दन वाला, और ये तो कौन है? ये महाराज हैं जंगल के, महाराज शेर सिंह। ये हिरणी है जिसकी चाल देखते ही बनती है, पल पलक झपकते ही पल भर में यह जंगल के इस कोने से उस कोने नजर आती है। ये मेढक महोदय भी हैं, ये वनमानुष हैं, चिंपैंजी लंगूर हैं, यहाँ मंकी महोदय हैं, और तो और यहाँ तितली चिड़ियाँ भी हैं, और हाथी दादा। ये हाथी दादा बड़े ही शैतानी करते रहते हैं, कभी तो यह पेड़ों को उखाड़ देते हैं, कभी कुछ करते हैं, केले इनको बहुत भाते हैं और केले खाने वाले ये हाथी दादा। हाथी दादा जिराफ हैं, सबके अपने अपने नाम हैं, इन सबके कोई ना कोई आप कार्टून पिक्चर देखे ही होंगे, इन सबके कारनामों को भी आपने देखा होगा। एक कार्टून होता आता है टेलीविजन पर, आपने जरूर देखा होगा, जिसमें बंदर है और हाथी है और ये दोनों कमाल 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 करते रहते हैं। कभी मधुमक्खी के छत्ते से मध खाने की जुगत भी रहते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये इस जंगल में सभी जानवरों ने एक ही बार सभा बुलाई, एक साथ बैठे सभा में, और सभा में यह तय किया इन सब ने कि भाई हम लोग कसम लें कि जंगल में हम लोग अस्वच्छता नहीं बल्कि स्वच्छता अभियान का संचालन करेंगे और साफ सफाई चारों तरफ रखेंगे। हम भी मॉडर्निटी चेंजेस करें, सारी दुनिया मॉडर्न हो गई तो हम क्यों पीछे रहें, हम क्यों गंदे रहें, हम भी प्रतिदिन नहाएंगे और प्रतिदिन अपने भोजन को इत्मीनान से खाएंगे, इधर उधर बिखेरेंगे नहीं। क्या आप लोग भोजन को बिखेर के खाते हैं? ऐसे नहीं होता छात्रों, मुझे पता है, मैंने देखा है कुछ छात्रों को जो विद्यालय से घर जाने पर जूता इधर, पैंट इधर, शॉर्ट इधर, बैग उधर, और तो और पढ़ते हैं तो कभी वहाँ कॉपी मिलेगी तो वहाँ किताब, और न मिलने पर मम्मी कहाँ, मम्मी 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 मशीन है, आप अपने सामानों को अपने से रखना सीखिए, मम्मी तो आपको देखभाल करती ही है, लेकिन अब आप छोड़ते रहते हैं इधर उधर जिधर तिधर, तो फिर कहाँ कहाँ से मम्मी उठा के रखते हैं, फिर आप ही को ना डांट सुननी पड़ती है क्लास में अगर कॉपी छूट जाता है तो। इसलिए अपने वस्तुओं का, अपने स्वच्छता का ख्याल खुद रखें, क्योंकि अब आप तो बड़े हो रहे हैं। गुड, आइए। अगरम बगरम हातिम ताई, सब सीखेंगे साफ सफाई। जंगल होगा स्वच्छ हमारा, सब पशुओं ने कसम है खाई। ये सब पशु लोग मिलकर के यह कसम खा रहे हैं कि अब हमारा जंगल साफ सफाई से रहेगा, हमारे जंगल में साफ सफाई रहेगा, हम जंगल को गंदा नहीं करेंगे। आप देखते ही होंगे भैंस चढ़ते चढ़ते जाती है और ये साफ सफाई तो होगा नहीं। आप देखे होंगे बंदर मामा पेड़ पर बैठ के आधा फल खाते हैं, आधा फेंक देते हैं, आधा इधर फेंक। इन सब तमाम बुराइयों से
ग्रसित ये सभी जानवर एक दिन अपनी मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई जंगल में साफ सफाई रहेगा आज से, और इस बात के लिए सभी कसम खाते हैं। सारे मिलकर जंगल को रोज रोज चमकाते थे, अब ये नई उमंग थी। सब जानवर मिलकर के, यानी कि सब जानवर कौन, शेर, हाथी, जिराफ, जेब्रा, बंदर, ये सभी मिलकर के जंगल को रोज रोज चमकाते थे, रोज सफाई करते रहते थे चारों तरफ। घर को खुद को साफ हुए रखते, मलमल खूब नहाते हैं, और ये अपने आप को, अपने घर को साफ रखते हैं और प्रतिदिन मलमल करके नहा रहे हैं। कौन? जंगल के सभी जीव। अब देखिए छात्रों, झमेला यहाँ है और बिसराया, झमेला का अर्थ होता है झगड़ा और बिसराया का अर्थ होता है भूल गया। साफ सफाई का अर्थ होता है स्वच्छता, स्वच्छ अर्थात सफाई होना, जंगल मतलब वन, पशुओं यानी जानवरों, सभी पशुओं में बातें जो हुई, सारे माने सभी, और रोज रोज अर्थात प्रतिदिन, ये प्रतिदिन जंगल को साफ रखेंगे इस बात की सबने कसम है खाई। तभी हुआ एक नया झमेला, झमेला मतलब झगड़ा, एक नया झगड़ा हो गया, तभी एक नया झमेला हुआ। क्या हुआ झमेला? तभी हुआ एक नया झमेला, हाथी जी ने खाया केला। तभी हुआ एक नया झमेला, हाथी जी ने खाया केला, खाकर छिलका वही गिराया, साफ सफाई को बिसराया। खाकर केला हाथी जी क्या किए, एक नया झमेला शुरू कर दिए। क्या किए? तो उनको केले खाने की मन की और उन्होंने केले खा ली। केला तो खाए वो अच्छी बात है, उससे किसी को कोई असुविधा नहीं, लेकिन केला का छिलका वहीं पर फेंक दिए। झमेला का अर्थ होता है झगड़ा, और साफ सफाई को बिसराया, बिसराया का अर्थ होता है भूल गया। केला तो खाए हाथी जी ने, और केला खाने के बाद वह भूल गए कि हमें छिलके को कहाँ रखना चाहिए। छात्रों आप भी भूलते होंगे हमें कहाँ रखना चाहिए। देख काम यह हाथी जी का, बंदर जी को गुस्सा आया। देख काम यह हाथी जी का, किसको गुस्सा आया? बंदर जी को गुस्सा आया। पास में उनके जाकर उसने हाथी जी, हाथी को ऐसे समझाया। बंदर को क्या आ गया? गुस्सा आया। हाथी जी ने क्या किया था जिसके लिए बंदर को गुस्सा आया? तो केले खा के, केले खाए अपने पेट में और छिलका फेंक दिए सड़क पर। अब बंदर जब देखा तो देखा, अरे ये तो सबने कसम खाई थी, हाथी जी ने भी कसम खाई थी कि मैं स्वच्छता फैलाऊंगा, और ये क्या, ये तो छिलके फेंक दिए, भूल गए कहाँ फेंकना है छिलके, मैं छोड़ूंगा नहीं। और बंदर चले गए, हाथी को समझाया। क्या समझाया है बंदर जी ने? तो समझाया, बोला बंदर, क्या बोला? दादा केले खाकर छिलके क्यों बिखराते हो? क्या बोला? बोला हाथी दादा, दादा छिलके खा, केले खाकर छिलके क्यों बिखराते हो? कूड़ेदान है पास में फिर भी कचरा क्यों बिखराते हो? और कूड़ादान पास में ही है फिर भी कचरा क्यों बिखरा रहे हो? सभी जंगल के जितने भी जीव हैं सभी सफाई में लगे हुए हैं, सभी स्वच्छता अभियान को पूर्ण करने में सब एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, और तुम हो कि केले खा लिए और छिलके फेंक दिए।
ये कोई मतलब हुआ? या छात्रों, शब्दार्थ में कूड़ेदान अर्थात कूड़ा का दान, कूड़ा का दान डिस्पोज जहां करते हैं हम हर जगह। आज तो मार्केट प्लेस देखे, किसी शहर के प्लेस पर देखे, बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, यहां तक कि बड़े बड़े सुपरमार्केट्स और मॉल, शॉपिंग मॉल वगैरह वगैरह जो भी सामाजिक स्थल हैं वहाँ डस्टबिन कूड़ेदान का प्रयोग किया जा रहा है। वहाँ जो भी आपका है, कई बार देखा जाता है छात्रों कि चॉकलेट आप खाते हैं और क्लासरूम में ही फेंक देते हैं, स्कूल के प्रांगण कैंपस में ही फेंक देते हैं, जबकि डस्टबिन रखा हुआ रहता है, पास में रहता है, फिर भी उसमें न फेंक के हम बाहर फेंक देते हैं। वैसे ही हाथी जी भी भूल गए थे कि हमें कहाँ फेंकना चाहिए और इस बात पर उनकी क्लास ले ली बंदर दादा ने। बंदर जी ने कहा, ये दादा केले तो खाए, छिलके क्यों बिखराए बिखराते हो, कूड़ेदान है पास में, फिर भी कचरा क्यों बिखराते हो। तभी वहां लोमड़ी आई, कौन आई? लोमड़ी जी आ गई। तभी वहां लोमड़ी आई, उसने भी यूं डांट पिलाई। डांट भी कोई पीने वाली चीज है बताओ? फिर भी कभी महोदय कह रहे हैं तो मान लेते हैं, मान क्या जान लेते हैं पिलाई का अर्थ क्या होता है। पिलाई मतलब यह गुस्सा करके लिखा गया। उन्होंने डांट कहा, डांट करके कहा कि क्यों जी, क्यों ऐसा किए तुम? सब लोग साफ सफाई कर रहा है, हम देखो कि अपनी पूंछों से बाहर रहे हैं जंगल, और तुम हो कि इतना बड़ा बॉडी लेकर, शरीर लेके, और केला खा के छिलका फेंक रहे हो, कोई गिरेगा, कोई बीमार पड़ेगा, बहुत खराब बात है, ऐसा नहीं करो। वो हुआ डांट पिलाना। तभी वहां लोमड़ी आई, उसने भी यूं डांट पिलाई, तुम्हें समझ क्यों कुछ ना आए, जो तुमने छिलके बिखराए। दादा, साफ सफाई का तो सबको रखना होगा ध्यान। दादा, साफ सफाई का तो सबको रखना होगा ध्यान, तभी सफल हो यह हो पाएगा अपना स्वच्छता का अभियान। तभी यह सफल हो पाएगा इसका अभियान, अपना स्वच्छता का अभियान तभी सफल हो पाएगा। कब सफल होगा? तो जब सभी लोग इस स्वच्छता के ऊपर काम करेंगे, सभी लोग साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, तभी जाके स्वच्छता होगा। नहीं तो एक आदमी दिन भर साफ करते रहेगा घर, और चार आदमी उसको गंदा करते रहेगा, तो भला कैसे संभव है कि घर हमारा साफ रहेगा। इसी तरह से घर की ही तरह प्रत्येक स्थल, प्रत्येक धर्म स्थल हो, क्रिया स्थल हो, कार्य स्थल हो, खेल का मैदान हो, अगर हम में से कोई एक आदमी झाड़ू लगाते रहेगा तो दिन भर लगाते लगाते बेचारा थक जाएगा, लेकिन सारे लोग अगर गंदगी बिखराते रहेंगे तो कैसे संभव है स्वच्छता अभियान का सफल होना। इसलिए छात्रों, हम सभी को ध्यान रखना होगा। छात्रों, अभियान का मतलब होता है सामूहिक रूप से किए जाने वाला कार्य, जो सभी मिल करके करें वही अभियान कहलाता है। क्या आप स्वच्छता अभियान में भागीदार बनेंगे? अगर हाँ, तो निसंदेह आज यह शपथ लें, यह कसम खाएं कि गंदगी को कभी नहीं फैलाएंगे, हमेशा चॉकलेट मुंह में खाएंगे और चॉकलेट का स्क्रैप डस्टबिन में डाल देंगे। आप बिस्किट खाएंगे, डस्टबिन में उसके कवर को डाल देंगे। इस तरह से जब हम सभी चाहेंगे तो स्वच्छ रहेगा हमारा पूरा देश और हम रहेंगे स्वस्थ, क्योंकि स्वच्छता ही स्वस्थता की जननी है। जितना ही हम साफ सफाई, स्वच्छ वातावरण में रहेंगे,
उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, उतना ही हम बीमार कम पड़ेंगे, उतना ही हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता कम पड़ेगी, उतना ही हम खेल कूद में भी अच्छे रहेंगे। क्योंकि बीमारी तो हमें दुर्बल कर देती है, और स्वच्छता रखेंगे सिर्फ अपने आसपास, हम नाखूनों को नहीं काटेंगे, हम कॉलर को नहीं खाएंगे, हम कागज वगैरह कुछ भी लेके मुंह में डाल लेते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इसी बात के लिए हाथी दादा को लोमड़ी जी ने भी डांट पिलाई। छात्रों मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इस पाठ को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जंगल में सारे जीव एक जगह होते हैं, जंगल के जंगली जीव, और आपस में सोचते हैं कि भाई सारी दुनिया स्वच्छता अभियान कर रही है तो हम क्यों पीछे रह रहे हैं, हम भी स्वच्छता अभियान करें। और इस स्वच्छता अभियान में हम सभी यह शपथ लें, यह कसम खाएं कि हम पूरे जंगल को अपने स्वच्छ रखेंगे। सभी मिलकर कसमें खाई, लेकिन अगले दो तीन दिन तक सबने जंगल को साफ किया, चमकाया। एक दिन किसने झमेला किया कर दिया, हाथी दादा ने। हाथी दादा क्या झमेला कर दिए, तो केले खाए और छिलका फेंक दिया। छिलका जो फेंका, इस बात को किसने देखा, बंदर ने देखा, और बंदर तुरंत आकर के शक्ति से फेंस आया और कहा कि क्यों हाथी दादा क्यों फेंके, केला खाए अपने पेट में, आपका पेट तो इतना बड़ा, छिलका क्यों फेंक दिए। सब लोगों ने मिलकर के यह बात की, सबने कसम खाई, और आप यहाँ पर छिलका क्यों फेंकिएगा। तब तक लोमड़ी भी आ गई और लोमड़ी ने भी डांट लगाई, कहा कि तुम्हें समझ क्यों कुछ नहीं आए, क्यों नहीं समझ में आता है, स्वच्छता अभियान कैसे सफल होगा जब तुम फेंकते रहोगे। तो इसलिए सभी को इसका काम करना होगा, दादा साफ सफाई का तो सबको रखना होगा ध्यान, तभी सफल यह हो पाएगा अपना स्वच्छता का अभियान। छात्रों आशा करते हैं आप लोगों को कविता की पंक्तियां याद भी हुई होंगी और इसके अर्थ भी समझे होंगे। तो अब वक्त आ गया है, वीडियो खत्म हो गया है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, और अपने घर परिवार समाज तथा देश से रोग बीमारियों को दूर करने के लिए हम स्वयं के शरीर को, स्वयं के मन को स्वस्थता प्रदान करने के लिए स्वच्छता अभियान जारी रखेंगे। अपने घर परिवार समाज तथा इस संसार से गंदगी को दूर करेंगे। कैसे, कुछ नियमों का पालन करके हम स्वच्छता रख करके अपने आप को हम ठीक रख सकते हैं, बीमारी से दूर रख सकते हैं। इसलिए अब धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।